हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल जागृति कंप्यूटर्स पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ एक्सेल के अंदर कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज करना। यानी आप देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये डाटा मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन होता है यहाँ पे कंसोलिडेट। तो दोस्तों, मैं आज आपको इसका यूज करना सिखाता हूँ। दोस्तों, इसका यूज किया जाता है समरी बनाने के लिए, यानी डाटा की समरी बनाने के लिए। ऑफिस में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। दोस्तों, जो काम आप लोग यहाँ पे अकाउंट्स में करते हैं दोस्तों, वो आप यहाँ एक्सेल में कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर मैंने एक डाटा बनाया है। दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को डाटा समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का एक छोटा सा डाटा बना दिया। दोस्तों, देखेंगे आप, ये हमारे सारे एक्सपेंसेस हैं जो हम लोग डेली बेसिस पे यानी मंथली बेसिस पे खर्चे करते हैं। दोस्तों, ये हमारे वो सारे खर्चे आ गए हैं। अब हमने यहाँ पे एक रिपोर्ट बना दिया दोस्तों, मंथ के हिसाब से ये हमारे मंथ के खर्चे आ गए दोस्तों, जनवरी फरवरी, और ऐसे ही दोस्तों देखेंगे मार्च का हमारा पूरा एक्सपेंस यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों, हमने क्या किया है, यहाँ पे इसका टोटल निकाल लिया है। यानी यहाँ पे हमारा जो एक्सपेंस है रेंट का, वो टोटल यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों मैंने ना सम का यूज किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सम का फॉर्मूला लगाया और यहाँ से इसका टोटल निकाल लिया। इसी तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पे सब जगह फॉर्मूला लगा रखा है। दोस्तों, यहाँ पर भी सम का फॉर्मूला लगा रखा है जिससे कि इसका टोटल निकल के आ जाए। अब दोस्तों, मैंने क्या किया, यहाँ पे तीन मंथ का एक क्वार्टर तैयार कर दिया। यानी यहाँ पे क्वार्टर वन में आप देखेंगे हमारे तीन महीने के सारे एक्सपेंस आ चुके हैं, और ऐसे ही अगले सेकंड क्वार्टर्स में दोस्तों ये हमारे दूसरे क्वार्टर्स के एक्सपेंसेस आ चुके हैं। ऐसे ही करके दोस्तों हमने यहाँ पे चार क्वार्टर्स में अपने एक्सपेंसेस दिखाए हैं। यानी जनवरी से लेकर के और मार्च तक का एक क्वार्टर हुआ हमारा, और यहाँ पे देखेंगे आप ऐसे करके हमारे सारे तीन महीने के पूरे क्वार्टर्स रिपोर्ट बन चुकी है। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है ना, आप लोगों ने एक रिपोर्ट को देखना है। यहाँ पर मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ ये पूरी क्वार्टर रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। अब दोस्तों, करना क्या है आप लोगों ने, सबसे पहले तो आपको कंसोलिडेट ऑप्शन यूज करने के लिए आपको जाना है दोस्तों डाटा में। डाटा के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहां से कंसोलिडेट का। दोस्तों, कंसोलिडेट ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है, और जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहां पे एक फंक्शन यूज किया जाता है जिसका नाम है सम। सम का मतलब हो जाता है दोस्तों यहां पे टोटल निकालना। आप यहां पे देख सकते हैं बहुत सारे फंक्शन हमारे और भी होते हैं, काउंट भी होता है, एवरेज भी होता है, मैक्स भी होता है। दोस्तों, आप यहां पे सम के साथ काम कीजिए पहले, उसके बाद आप यहां पे एक एक करके सारे फॉर्मूलों के साथ काम कर सकते हैं। तो मैंने यहां पे सम का यूज किया। अब मैं दोस्तों यहां से रेफरेंस लूंगा। रेफरेंस का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, आप यहां से अपनी शीट को ऐड करेंगे, यानी क्वार्टर वन को ऐड करेंगे। तो आपको क्या करना है ना दोस्तों, क्वार्टर वन पे जाना है और अपने सारे एक्सपेंस सेलेक्ट कर लेने हैं कुछ इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं हमारे सारे एक्सपेंस यहां पे सेलेक्ट हो चुके हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, यहां से ऐड कर देना है। एक एक्सपेंस हमारे यानी तीन महीने का जो क्वार्टर था हमारे यहाँ पे, वो ऐड हो चुका है। अब दोस्तों, कुछ इसी तरीके से आपको ना क्वार्टर टू पे भी क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली वो एरिया सेलेक्ट कर लेगा और यहाँ से आपको ऐड कर देना है। दोस्तों, ऐसे ही आपने तीसरा क्वार्टर भी ऐड करना है, यहां से आप ऐड कर दीजिए, और ऐसे करके दोस्तों आपने चौथा क्वार्टर भी ऐड कर देना है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके चारों क्वार्टर्स क्वार्टर वन टू थ्री और फोर ऐड हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है ना दोस्तों, यहाँ पे लगाना है लेबल्स। तो दोस्तों, लेबल क्या करेंगे, आप यहाँ से टॉप रो पर क्लिक करेंगे। टॉप रो पर क्लिक करने के बाद ना, आपने यहाँ देखना है टॉप रो पे मैंने क्यों क्लिक किया। टॉप रो पर मैंने इसलिए क्लिक किया कि हम यहाँ से हेडिंग्स को देख सके। यानी हमने यहाँ पे दोस्तों क्या करना है ना, हेडिंग्स को देखना है। हम चाहते हैं कि हमारी रिपोर्ट में हेडिंग लग जाए। अब दोस्तों क्या करना है ना, आपने लेफ्ट कॉलम पर क्लिक करना है। यानी हमारे जो एक्सपेंसेस थे वो दोस्तों लेफ्ट साइड में थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे लेफ्ट पर क्लिक कर देंगे। अब हमें क्या करना है ना दोस्तों, यहाँ पे बनाना है लिंक। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, क्रिएट अ लिंक टू सोर्स डेटा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है जिससे कि हमारी शीट पे लिंक बन जाएंगे, यानी चारों शीटों पे लिंक हमारे क्रिएट हो जाएंगे। अब दोस्तों, आपने क्या करना है ना, ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे, देखो दोस्तों क्या होने वाला है, ओके करते ही आपके सामने एक रिपोर्ट बन जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी रिपोर्ट आपके सामने बन के आ चुकी है। अब दोस्तों, इस रिपोर्ट पे क्या करना है ना, आपने थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर लेते हैं। अब क्या करते हैं ना दोस्तों, इसको आपने एक कमांड प्रेस करनी है। कमांड क्या प्रेस करनी है दोस्तों, आपने करना है अल्ट ओ ए। दोस्तों, अल्ट ओ ए करने से क्या होता है ना, ऑटो फॉर्मेट लग जाता है। अब आप यहां से एक ऑटो फॉर्मेट ले लीजिए, कोई भी आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं रिपोर्ट्स में ऑटो फॉर्मेट। आप दोस्तों यहां से क्लिक करके ओके कर देंगे। आप देखेंगे यहां पे आपकी रिपोर्ट पूरी लग चुकी है। अब देखिए रिपोर्ट जो है ना आपकी एनालाइज हो चुकी है, यानी बहुत अच्छी सी फॉर्मेटिंग हो चुकी है आपकी, ऑटो फॉर्मेट हो गई है आपकी टेबल। आपने दोस्तों अब इसको ना पूरा एनालाइज करना है। एनालाइज करने के लिए दोस्तों देखिए, आप प्लस पे क्लिक करेंगे यहां से। अब जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे ना दोस्तों, यहाँ पे दो चीजें आपको दिखाई देंगी, एक नंबर वन और एक यहाँ पे नंबर टू। आपने दोस्तों यहाँ पे क्या करना है ना, ये सारे बटन्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्लस बटन है हमारे, आप इस पे क्लिक करेंगे ना दोस्तों, ये आपका पूरा प्लस बटन ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो प्लस बटन है दोस्तों, यहाँ पे वो आ चुका है। आपने क्या करना है ना दोस्तों, इसे सेलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। अब आप इसमें अपने एक्सपेंस का नाम लिख दीजिए दोस्तों, यहाँ पे आप लिख दीजिए रेंट, और यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका एक्सपेंस ऐड हो चुका है। अब दोस्तों, इसी तरीके से आपने क्या करना है, आप सैलरी पर भी क्लिक करेंगे और यहां से इसे सेलेक्ट करके दोस्तों आपने क्या करना है, यहां पे लिख देना है सैलरी।
अब आप कंट्रोल एंटर कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपका पूरा एक्सपेंस लग जाएगा कुछ इसी तरीके से। दोस्तों आपने यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे डाल देने हैं, और जब आप इस पे क्लिक करेंगे सेकंड नंबर पर दोस्तों, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपकी रिपोर्ट एनालाइज हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अब आप इसे समझ लेते हैं यहाँ पर हमारी क्या मंथली पूरी रिपोर्ट बन चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी 12 महीने की रिपोर्ट हमारी एक साथ आ चुकी है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी।